थाना हसौत में पीड़िता ने शिकायत में बताया कि उत्तरा कश्यप पिता धजाराम कश्यप घर के दरवाजे को धक्का देकर खोलकर जबरन घर अंदर आकर पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया एवं आरोपी उत्तरा कश्यप शादी करने एवं अपनाने के लिए बोलकर लगातार पीड़िता से शारीरिक संभोग करते रहे, जिससे पीड़िता गर्भवती हो गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 376 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, लेकिन आरोपी घटना कर लगातार 1.5 साल से फरार था। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु उच्च अधिकारियों के निर्देश देने पर आरोपी के खोजबीन के लिए मुखबिर लगाया गया था। मुखबिर द्वारा आरोपी चिरमित्री क्षेत्र में रहने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष टीम गठित आरोपी उत्तरा कुमार कश्यप है था थाना हसौत को चिरमिरी से लाकर दिनांक 22 नवंबर 2022 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि नवपदस्थ प्रभारी नवीन पटेल के पदस्थ होते ही हसौदा थाना क्षेत्र में वर्षों से पड़े महिला संबंधित लंबित शिकायत अपराधों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। दिनांक 7/11/2020 को आरोपी इंद्रा कश्यप प्रार्थना के घर अंदर घुसकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया एवं प्रार्थना से शादी करने एवं अपनाने की बात बोलकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिससे प्रार्थना गर्भवती होगी एवं आरोपी शादी करने से इनकार कर कहीं चला गया। प्रार्थना की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 376 भादवी के तहत अपराध अधिवक्ता के विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान आरोपी दादाजी की जा रही थी। आरोपी की चिरमिरी क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय शक्ति द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थी एवं उनके मार्गदर्शन में आरोपी को हिरासत में लाया गया एवं आरोपी उत्तरा कश्यप पिता ध्वजाराम कश्यप उम्र 37 वर्ष साकिब कैथा के विरुद्ध धारा 376 भादवी के तहत अपराध घटित करना पाए जाने से उसे दिनांक 22/11/2022 को गिरफ्तार कर न्याय हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।